गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बच्चों जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे हमारा टॉपिक देख रहे हैं जैव विविधता, तो सबसे पहले जानते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जीवों की संख्या, रूप, रंग और स्वभाव आदि में विविधताएँ देखने को मिलती है। हमारी प्रकृति में बच्चों बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो इन जीव जंतुओं के जो रूप, रंग और स्वभाव हैं वो भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र के जीव जंतुओं का रहन सहन और स्वभाव अलग होता है, मैदानी क्षेत्रों के जीव जंतुओं का अलग होता है। इसी तरह रेगिस्तान में जैसे आप जानते हैं कि ऊँट पाए जाते हैं, उनका खान पान अलग होता है। तो इन विभिन्नताओं को देखने के बाद ही जीवों की इन विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों में पाई जाने वाली ये विविधताएं ही जैव विविधता कहलाती हैं। इन जीवों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके माध्यम से हम इन जीवों के अध्ययन को अच्छे से और कर सकते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? अध्ययन की सुविधा में सहायक है। वर्गीकरण होने से जीव जंतुओं का अध्ययन करने में सुविधा मिलती है। अगर हम कॉकरोच, जो कि संघ आर्थ्रोपोडा का है, उसके बारे में अगर पढ़ें तो फिर हम आर्थ्रोपोडा संघ के और जंतुओं के भी गुणों को जान सकते हैं। जैव विकास का प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण के अनुसार सरल जीवों का जटिल जीव में बदलाव हम यहाँ पर समझ सकते हैं। नए जीवों की खोज। वर्गीकरण करने से नए जीवों की खोज में भी बेहद सहायता मिली। और संग्रहालय में पौधों का रखरखाव। संग्रहालयों में पौधों के रखरखाव के कारण हर जाति के पौधों को वहाँ पर अध्ययन की सुविधा मिली। अनुकूलन का ज्ञान। किस जंतु को कौन से माहौल में अनुकूलन है, इसका भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वर्गीकरण की आवश्यकता से ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्गीकरण की आवश्यकता से जीवों का नामकरण संभव हो सका। जीवों के नामकरण के लिए